देखती हैं अंकल सुनते गानों, आपको तारिक महमूद का सलाम। तारिक महमूद आपकी खिदमत में लाया एक बेहतरीन रेसिपी। इनग्रीडिंग देख के आप समझेंगे कि मैं आपके जेहन के मुताबिक कुछ बना रहा हूँ, लेकिन मैं एंड पे बिल्कुल मुख्तलिफ करूंगा और एंड तक सीक्रेट रखूंगा। आ जाए फिर आपको दिखाता हूँ। ये है जी चिकन, ये बोनलेस चिकन मैंने छोटा छोटा कर लिया है। ये केजे हैं, ये हल्दी है आधा टीस्पून, ये इमा चिकन पे डालते हैं ताकि वो एंटीबायोटिक होती है ये। और ये है वाइट पेपर 2 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, और ये थोड़ा सा ऑयल है तकरीबन 2-3 टेबलस्पून। और ये है पपरिका, जैसे शिमला मिर्च कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, ये वो है, ये मैंने कट लगा के रखे हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे आपको समझ आ गई है कि तारिक क्या बना रहा है, लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूँ आपको अभी भी नहीं पता लगा कि मैं क्या बनाऊँगा। चलें आपको दिखाता हूँ बाकी का प्रोसीजर। ये कढ़ाई ली, इसमें डाला जनाब ये चिकन, ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन है। ये देखें ये ऐसे चिकन डाला, इसमें डाली ये हल्दी और बस कुछ नहीं डालना, इसको कर देना है बंद। अब ये चिकन अपना पानी छोड़ेगा, जब पानी छोड़ के खुश्क हो जाएगा तो फिर बाकी की कार्रवाई शुरू करते हैं। लें जनाब आप, पानी हो गया खुश्क, नमक डालें, वाइट पेपर डाल दी और ये डाल दिया ऑयल। ये मैं बताना भूल गया था डालना, ये लेमन डालना है। हाँ जी ये देखें जनाब, मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया है, ना कोई तेल, ना कोई पानी, ना कोई चीज़, काली वाइट पेपर, नमक और लेमन, एक लेमन और ऑयल थोड़ा सा डाला, और हल्दी पहले डाली थी आपने देखा, और कुछ नहीं डाला। अब अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। नहीं जी इब्तदा करते हैं इसको अब फिल करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा आइटम बनाऊंगा अब देखते जाएं। एक बना के दिखाऊंगा और बाकी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और अभी तो एक और काम भी करना है जिसका आपको पता ही नहीं है। ये अच्छी तरह इसको मैंने कर लिया फिल। अब इस पे डालने हैं ये केजे, ये ऐसे बना के रख लेनी है सारी, तो फिर अगला प्रोसीजर दिखाता हूँ। लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये ओवन खुल गया और ये चली गई अंदर। 10 से 12 मिनट लगेंगे ये बिल्कुल तैयार होंगी, फिर इनका अगला प्रोसीजर जो मैंने सीक्रेट रखा हुआ है ना वो शुरू करूंगा। ये देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह क्या बेहतरीन काम तैयार हो गया। अब इसको निकाल के देना, तो अगला प्रोसीजर भी शुरू कर देते हैं। हाँ जी अब दिखाते हैं क्या बात है, क्या तैयार हुआ जनाब। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। हाँ जी ये देखें जी, ये बिल्कुल तैयार हो गई केजे के साथ। अब सीक्रेट ये था कि अभी मैंने इसको इस ब्रोड में लगाना है। ठीक है, ऐसे ये थोड़े से लगाएंगे जी चिल्ली सॉस बड़ों के लिए, बड़ा मज़ा आने वाला है जनाब। ये आप ट्राई करना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप बोटियों में बेशक कोई और चीज़ जो आपका दिल करता है मसाला मसूला डालना हो तो डाल लें, लेकिन परफेक्ट ये है कि सिर्फ वाइट पेपर, नमक और कुछ नहीं। ठीक है जी,
ये केचप डालना है, ठीक है जी। एक बना के दिखाऊंगा और फिर बाकी बना सारे नहीं दिखा सकता, वीडियो लंबी होती है। ये मैंने मायो शायो हर शेयर डाल दी। अब इस मिर्च को उठाएंगे और से वो ऐसे 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 बड़ी गर्म थी, वो कहते हैं ना अडोल उठाना, अडोल ऐसे। और अब इसको ऐसे करके तो इधर जाने देंगे सैंडविच मेकर में। अब ये बेहतरीन बन जाए तो मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। हाँ जी, मैंने कहा एक और तैयार कर ले। ये ऐसे मिर्च उठा ली, ये मैंने उठा ली, आपसे शायद ना उठे क्योंकि गर्म है बहुत, तो इसलिए आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें जो भी आपने करना है। अभी ये देखें क्या पोजीशन है, ये तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। तो जी इधर ऐसे इसको ऐसे बंद भी आप कर सकते हैं कि सारे इकट्ठे बैठ के हम खाएंगे ऐसे। इनको तैयार कर ही देते हैं और रख लेते हैं, तो फिर आपको फाइनल दिखाते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये छोटी बिटिया ने ऑर्डर लगाया कि बाबा मैंने ये जो आपने बनाया ये मेरे से नहीं खाया जाना, तो मुझे एक डिनर टाइप बना दें। मैंने फौरन सोचा, दिमाग दौड़ाया कि क्या किया जाए। मैंने अब ऐसे ये इसको बोटियाँ रख देनी है। बच्चे इतना खुश होते हैं चीज़ों से, तो कहते हैं बस ये डिनर से भी ज़्यादा मज़ेदार बनता है। घर में ये आप बना लें ऐसे, समझे डूनर, ये एक टमाटर रखे काट के, तो चलो जी ये बन गया जी, बनाया जानी का डूनर। ये बस इतनी बात है, थोड़ी देर इसको गर्म करते हैं और ख़त्म। ये मेरा आखिरी पत्थर है ए दोस्त तेरी याद में, अब मैं और पानी को परेशान नहीं कर सकता। लें जी, बेहतरीन चीज़ बना दी है, थोड़ा चख के दिखाऊं, बड़ा ही मज़ेदार आइटम तैयार हुआ है कि बस पूछें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कमाल चीज़ है, घर ट्राई करें और बना के खाएं, बहुत मज़ा आएगा। तारिक महमूद को ज़्यादा दें, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए। खुदा हाफिज़।